नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र पांडे आप सभी का पांड्या नॉलेज ग्रुप में स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम दोस्तों, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी ने हमारी बात को माना, 25 अगस्त डेडलाइन को आपने एक्सेप्ट किया और जल्द से जल्द फॉर्म को आपने फिलअप किया। दोस्तों, हम लोगों ने निदेशालय को ऑलरेडी कमिटमेंट दे दिया था कि 25 तारीख से पहले पहले फॉर्म को फिलअप करवा देंगे और निदेशालय ने हमें कहा था कि अगर 25 तारीख से पहले पहले फॉर्म फिलअप हो जाएंगे, किसी तरह का अगर सर्वर डाउन और साइट डाउन नहीं होती है तो डेट नहीं बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, उसी रिक्वेस्ट को हम लोगों ने आप लोगों के बीच में पहुंचाया और आप लोगों ने हमारी रिक्वेस्ट को तुरंत एक्सेप्ट किया और जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निदेशालय का, सीएम सेक्रेटरीज का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्पेशली गंगवार साहब का, जिन्होंने हमें पूरा सपोर्ट दिया डेट को नहीं बढ़ने देने के लिए। और रिट संघर्ष समिति के समस्त सदस्यों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसमें से भावेश व्यास बांसवाड़ा से, इन्होंने स्पेशल योगदान दिया। सभी व्हाट्सएप ग्रुप में स्पेशल सभी को रिक्वेस्ट करके इन्होंने अपडेट किया। अमित शर्मा ने भी सोशल मीडिया पर अच्छी पकड़ बनाई और सभी को रिक्वेस्ट करवा के फॉर्म को फिलअप करवाया, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। दोस्तों, निदेशालय से हमारी बात हो चुकी है, इस बारे में कट ऑफ के बारे में भी रिक्वेस्ट कर लिया गया है, उनको रीज़न बता दिया गया है कि 25 अगस्त से बाद डेट क्यों नहीं बढ़ानी है। तो आप चिंता ना करें, कट ऑफ जल्द से जल्द आने वाली है, 30 तारीख से पूरे पहले भी आ सकती है। दोस्तों, ये पुख्ता जानकारी है, इसलिए आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को तैयार कर लें, ये कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है, ठीक है। और बाकी जो हैं मुद्दे जो अपन डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ गया होगा कि कमलेश मीणा ने DB में अपील किया है, डबल बेंच में अप्लाई किया है, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं, केस में बिल्कुल दम नहीं है, सिराधन साहब ने बहुत ही बढ़िया जजमेंट दिया है, इसको चैलेंज करना इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन हम लोग वैसे भी इसको कमज़ोर नहीं मानेंगे, इस केस को पूरी तरह से जान लड़ा देंगे, इस केस में लड़ने के लिए घबराने की कोई बात नहीं दोस्तों। साथ ही कमलेश मीणा के खिलाफ भी हम वकीलों से बात कर रहे हैं और जल्दी हम चर्चा ख़त्म करेंगे और उसके खिलाफ भी एक्शन लेने का जो हमारे पास ऑडियो है वो, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर लगता है कि पॉजिटिव रिएक्शन जल्द से जल्द लिया जा सकता है इस मामले में तो हम ज़रूर लेंगे दोस्तों। अब जो भी डबल बेंच में जाता है या अदर अपील करता है, उसके लिए हम लोग बिल्कुल अपील आगे हायर अथॉरिटी में मानहानि के ज़रूर करेंगे दोस्तों। आप सभी को जानकारी मालूम पड़ गई होगी कि SN कुमावत को इन्होंने हायर किया है और जैसा कि साबित होता है कि SN कुमावत जी कांग्रेस के AG रह चुके हैं, पूर्व में XAG हैं, तो ये साबित होता है कि थोड़ा बहुत पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो गया है इस मामले में, वैकेंसी में, और इसमें बहुत से पॉलिटिकल बेरोजगार संघ के जो नेता हैं उनका भी योगदान इस भर्ती को अटकाने में रहा है और इवन सभी भर्तियों को अटकाने में रहा है ताकि वो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें। दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसे किसी भी संघ के प्रेशर में आके आप अननेसेसरी योगदान ना करें, सपोर्ट ना करें, क्योंकि ऐसी संस्थाएं जो खड़ी हो गई हैं आज की डेट में वो इन वैकेंसी को अटकाने का काम कर रही हैं, ना कि निकालने का काम कर रही हैं। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बंदे से रहा है, वो कभी सपोर्ट फेलियर का करता है, कभी दूसरी टीम का करता है, खुल के सामने नहीं आता है। उसका रीज़न यही है कि वो राजनीतिक रोटियां सेकना कर चाहता है बंदा, ठीक है। तो आप लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं क्योंकि वही मेन रेस्पॉन्सिबल बंदा है जिस भर्ती को अटकाने का काम कर रहा है, ठीक है। और सचिन पायलट से भी हम लोग मुलाकात ज़रूर करेंगे। और दूसरी बात, ट्विटर अभियान चलाओ और सभी कांग्रेस पदाधिकारियों को अवगत कराओ कि इस तरह की आप इंटरफेरेंस करेंगे तो ये लॉस आपके लिए है चुनाव में, क्योंकि SN कुमावत साहब को जो आपने हायर किया है तो उसका कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो ज़रूर है, तभी इन्होंने केस को एक्सेप्ट किया है। तो दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि शांतिपूर्ण तरीके से और अपने रोष को प्रकट करें सोशल मीडिया पर, ताकि इन लोगों को भी इस आने वाले चुनाव के रिजल्ट के बारे में ध्यान आए कि भाई ये हम लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली कमलेश मीणा का आउटपुट यही है कि घबराना बिल्कुल नहीं है। अब आप लोग जितने भी लोग हैं जिनको लगता है उनका सिलेक्शन होना है और जो वेटिंग में भी सिलेक्शन हो सकता है वो लोग कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर दें। अमित शर्मा, SP चौहान, शैलेंद्र पांड्या, ये तीन अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, दे आर ऑथराइज्ड हैं, ठीक है। पूरा हिसाब किताब रखा जाएगा और आप स्नैपशॉट ज़रूर भेजें अमाउंट ट्रांसफ़र करने के बाद में। मेरे भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर दे रखा है, लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आपका दो, तो मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो आप उसमें भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बाकी आप चाहें तो
किसी भी अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि लड़ने के लिए भामाशाह की हेल्प हमें ज़रूरी है। ये इतिहास गवाह है कि कोई भी लड़ाई लड़नी है तो भामाशाह के बिना लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। इसके विरोध में भी लोग आएंगे, ये मुझे पता है, लेकिन विरोध वाले जो लोग हैं उनको पता है, वो उनका पर्सनल स्वार्थ होता है कि फाइनेंशियली अगर हेल्प मिल जाती है तो ये लोग जीत जाएंगे, वैकेंसी उनके हाथ से निकल जाएगी। तो उनका विरोध करना मैं सही मानता हूँ कि वो विरोध कर रहे हैं, वो जायज़ है, क्योंकि रीज़न क्यों वो विरोधी दल के हैं, पहली बात, ठीक है। तो उनकी बातों में ना आए और फंडिंग बिल्कुल करें, क्योंकि बिना फंडिंग के हम लोग नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, मैथ साइंस का केस भी फाइल होने वाला है, जैसे विश्व सूत्रों से मालूम पड़ा है कि केस आज फाइल हो गया है, ठीक है। उन्होंने विज्ञान शाह को उतारा है शायद, इसके लिए हम लोग भी बड़े लॉयर से कंसल्ट कर रहे हैं, और बिल्कुल हम लोग भी बड़ा लॉयर उतारेंगे, और इस भर्ती को पूरा करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, पूरी कोशिश करेंगे। बस घबराना नहीं है दोस्तों किसी तरह सा, कि ये लड़ाई है तो होती रहती हैं और इनमें कोई दम नहीं है, ठीक है, पहली बात। और इस तरह की लड़ाइयों से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, कोई टेंशन ना लें दोस्तों, हम लोग और हमारी सरकार पूरा हमारे साथ में है, तो ये भर्ती कहीं अटकनी नहीं है दोस्तों, ठीक है। बाकी जो वेटेज का मामला है वो कल सुनवाई है उसकी 28 तारीख को, पूर्ण विश्वास है भाटी साहब की जो बेंच है बहुत शानदार जजमेंट रहते हैं उनके, और पूर्ण विश्वास है कि वो अननेसेसरी इन भर्तियों को नहीं उलझ जाएगी, और वो अच्छा न्यायप्रद सत्यमेव जयते जो उनका बेंचमार्क स्लोगन है, वो बिल्कुल मैं विश्वास सदैव करता हूँ न्यायपालिका पे, और बिल्कुल वो पॉजिटिव जजमेंट हमारे पक्ष में आएगा। 28 तारीख को याचिका खारिज होगी, जज साहब ने पहले ही बोल दिया अनएथिकल मैटर है, ठीक है, इसमें कोई जायज है ही नहीं कि इस केस को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो दोस्तों बोनस में भी घबराने की आवश्यकता नहीं, मैडम से बात हो गई है, मेघना मैडम से पूरा पॉजिटिवली वो केस को देख रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से उनकी बात हो चुकी है सारी, हमने सेक्रेटरियों से इन्फॉर्म कर दिया है, सीएम सेक्रेटरी को इन्फॉर्म कर दिया है, एलिमेंट्री सेक्रेटरी को इन्फॉर्म कर दिया है, ठीक है, और इवन निदेशालय को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि इस तरह के केस फाइल हो चुके हैं, हमें तैयारी करनी है। तो कट ऑफ भी जल्द से जल्द जारी होगी दोस्तों, हमारी बात हो गई है। तो अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी केस फाइल हो रहे हैं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमारे में वो जज्बा है, हमारी सरकार में वो जज्बा है, और आप सभी लोगों की दुआएं और आपका आशीर्वाद हमारे साथ में, हमें कोई हिला नहीं सकता दोस्तों। और उस वैकेंसी को पूरा होने से अब कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, चाहे कोई भी आ जाए, कितने भी केस लगा लें, ठीक है। तो घबराए नहीं, बस केवल दो काम आप लोगों को करने हैं। पहला काम करना है सोशल मीडिया पर सभी जगह ट्विटर अभियान चलाएं, सचिन पायलट और जो भी इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, और सेंट्रल लेवल पे ट्वीट करें और अपना रोष प्रकट करें, ताकि इनकी भी नींद खुलनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, फाइनेंशियल हेल्प ज़रूर करें ताकि हम लोग आगे लड़ पाएँ, ये सबसे बड़ा हथियार है हमारा, ठीक है। अतः अंत में आप सभी को मैं पेशेंस रखने के लिए और लड़ने के लिए तैयार रहें, और इस केस में मैंने आपको बता दिया है किसी भी केस में कोई दम नहीं है, हमारी जीत होगी और हम जीत के रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।